अब क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, पांचवा पार्ट। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सी माइनस बी प्लस ए इक्वल आ गया। सी माइनस बी ब्रैकेट है, सी क्या है? माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू थ्री वन वन, माइनस का साइन आ गया। बी क्या है? बी है सर वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री। अच्छा, प्लस का साइन आ गया क्योंकि फिर प्लस है ना। उसके बाद ए है तो ए लिख देते हैं। क्या है? वन टू थ्री, टू थ्री वन वन माइनस वन ज़ीरो। ये हमारे पास ए भी आ गया। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट हो गई माइनस वन, माइनस का साइन इसका तो ऑपरेट होगा तो ये माइनस वन, फिर ज़ीरो माइनस माइनस प्लस वन, फिर ज़ीरो माइनस वन, फिर ज़ीरो माइनस टू, फिर ये माइनस टू हो गया, माइनस माइनस प्लस टू, फिर ये थ्री हो गया, माइनस टू हो गया। नेक्स्ट ये वन हो गया, माइनस थ्री हो गया, फिर वन हो गया, माइनस वन, ये टू आ गया, माइनस का साइन आया और ये थ्री आ गया। ब्रैकेट क्लोज हो गई, प्लस का साइन आया और ये वन टू थ्री, वन टू थ्री, टू थ्री वन वन माइनस वन ज़ीरो, ये एज इट इज़ हो गए। अब देखिए अब इनको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, ज़ीरो माइनस टू हो गया, माइनस थ्री में से वन को करेंगे अगर आप तो ये हो जाएगा माइनस टू, ज़ीरो प्लस वन वन, माइनस टू प्लस टू ख़त्म हो गया तो ज़ीरो बच गया, वन माइनस वन यहाँ भी ज़ीरो आ गया, ज़ीरो माइनस वन माइनस वन होगा, थ्री माइनस टू वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, प्लस का साइन आ गया और ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ गया। वन टू थ्री, टू थ्री वन वन माइनस वन ज़ीरो। माइनस टू प्लस का साइन आ गया और ये वन आ गया, फिर वन प्लस टू हो गया, फिर माइनस वन प्लस थ्री हो गया, फिर माइनस टू प्लस का साइन है और ये थ्री है, फिर ज़ीरो प्लस थ्री हो गया, वन प्लस वन हो गया, माइनस टू प्लस वन हो गया, ज़ीरो प्लस माइनस माइनस वन आ गया, फिर ये माइनस वन है प्लस ज़ीरो हो गया। माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, थ्री में से टू सबट्रैक्ट किया तो वन हो गया, माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो गया, वन प्लस टू थ्री, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री, ज़ीरो माइनस वन माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, वन प्लस वन टू, माइनस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन। ये हमारे पास आ गया सी माइनस बी प्लस ए। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और इसका आंसर ये आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट क्या है, साइड क्या है? सी प्लस ए माइनस बी इक्वल का साइन आया। सी क्या है? सी मैट्रिक्स लिख देते, माइनस वन ज़ीरो 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 माइनस टू थ्री वन वन टू, प्लस का साइन आया, ब्रैकेट है। फिर ए क्या है? वन टू थ्री, सर ए है वन टू थ्री, टू थ्री वन वन माइनस वन ज़ीरो, माइनस का साइन आ गया। बी क्या है?
बी है सर वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया माइनस वन जीरो जीरो जीरो, माइनस टू थ्री वन वन टू, ये एज इट इज हो गया प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें, वन माइनस वन वन माइनस वन टू, ये आ गया माइनस माइनस प्लस और ये वन आ गया, फिर थ्री माइनस वन हो गया, फिर टू माइनस टू हो गया, थ्री माइनस माइनस प्लस टू हो गया, वन माइनस टू हो गया, वन माइनस थ्री हो गया, माइनस वन प्लस, ये माइनस वन और माइनस वन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ज़ीरो माइनस थ्री हो गया, इक्वल का साइन आ गया, माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, माइनस टू थ्री वन वन टू, ये एज इट इज़ आ गया प्लस। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, वन माइनस वन ज़ीरो, टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस वन टू, टू माइनस टू ज़ीरो, थ्री प्लस टू फाइव, वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, ज़ीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, इक्वल का साइन आया भाई, माइनस वन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस थ्री, ज़ीरो प्लस टू, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, माइनस टू प्लस फाइव, थ्री प्लस माइनस वन, वन प्लस, बल्कि इसको डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, थ्री उसके बाद प्लस माइनस माइनस वन हो गया, फिर ये वन आ गया, प्लस माइनस माइनस टू, फिर ये वन प्लस माइनस माइनस टू, फिर ये टू आया, प्लस माइनस माइनस थ्री। नेक्स्ट, माइनस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, वन माइनस टू माइनस वन, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री, माइनस टू प्लस फाइव थ्री हो गया, वन माइनस टू माइनस वन, ज़ीरो प्लस टू टू, थ्री माइनस वन टू, टू माइनस थ्री माइनस वन हो गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड क्या थी, सी प्लस ए माइनस बी। ये अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, इनको कंपेयर करते हैं कि क्या ये इक्वल हैं दोनों एक दूसरे के, चेक करते हैं। फर्स्ट रो माइनस वन थ्री टू, माइनस वन थ्री टू, सेकेंड जीरो थ्री टू, जीरो थ्री टू, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल हैं, इट मीन्स के दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड थी क्या, सी माइनस बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी, यही वेरीफाई करना था सर, यही वेरीफाई कर दिया, लिख दें वेरीफाइड, देख लें इसको गौर से एक दफ़ा तसल्ली से। क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट नंबर सिक्स, सबसे पहले देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, चलें जी ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, टू ए प्लस बी, इक्वल का साइन आ गया, 2a, 2a क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, माइनस 1, 0, प्लस b, b क्या है, 1, माइनस 1, 1, 2, माइनस 2, 2, 3, 1,
इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, प्लस का साइन आया और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री। ये टू और ये वन आपस में ऐड होंगे, टू प्लस वन फोर, प्लस माइनस माइनस वन सिक्स, प्लस वन फिर फोर प्लस टू सिक्स, प्लस माइनस टू फिर टू प्लस टू, टू प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन ज़ीरो प्लस थ्री। टू प्लस वन थ्री, फोर प्लस टू सिक्स, टू प्लस थ्री फाइव, फोर माइनस वन थ्री, सिक्स माइनस टू फोर, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, सिक्स प्लस वन सेवन, टू प्लस टू फोर, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री। ये हमारे पास राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड साइड है, टू ए प्लस बी, इसका आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर भी इसके बराबर आता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है क्या, ए प्लस, ए प्लस बी इक्वल, ए लिखते हैं, ए क्या है, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, प्लस का साइन आया, फिर ब्रैकेट शुरू करते हैं, ए प्लस बी, ए क्या है, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, प्लस व्हाट इज बी, बी दिया हुआ है, वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री। चले अभी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वैसे का वैसे लिख देंगे, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो। प्लस वन प्लस वन टू, प्लस माइनस माइनस वन फिर थ्री प्लस वन, टू प्लस टू थ्री, प्लस माइनस माइनस टू, वन प्लस टू वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो प्लस ब्रैकेट आएगी साथ, क्योंकि अभी हमारी ये इसको सॉल्व नहीं किया हमने। चलिए जी, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, प्लस अभी स्टेप में ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, क्यों, क्योंकि इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, थ्री प्लस वन फोर, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस टू वन, वन और माइनस वन ज़ीरो हो गया, थ्री प्लस वन फोर, टू प्लस वन थ्री, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री हो गया। इक्वल अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, वन प्लस टू, टू प्लस वन, थ्री प्लस फोर, टू प्लस फोर, थ्री प्लस वन, वन प्लस थ्री, वन प्लस फोर, माइनस वन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस थ्री।
टू प्लस वन थ्री, टू प्लस फोर सिक्स, फोर प्लस वन फाइव, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, माइनस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन, थ्री प्लस फोर सेवन, थ्री प्लस वन फोर, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो थी ए प्लस ए प्लस बी, इसका आंसर आ गया। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का आंसर था, मैच करके देखें क्या इक्वल हैं। आइए करते हैं, फर्स्ट रो थ्री थ्री सेवन, इधर भी थ्री थ्री सेवन, सिक्स फोर फोर, सिक्स फोर फोर, फाइव माइनस वन थ्री, फाइव माइनस वन थ्री, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी ये, और राइट क्या, ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। आइए इसको फाइनली यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो टू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस बी। आई होप ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट सिक्स हो गया, इसको देख लें एक दफ़ा तसल्ली से।